और यस्टरडे इट वाज माय बर्थडे 12th of August। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा। मैंने अपने लास्ट के 5 से 6 बर्थडे आउट ऑफ होम ही सेलिब्रेट करें, क्योंकि बिकॉज ऑफ माय वर्क और जॉब मैं कभी घर पे, मतलब बर्थडे के टाइम प्रेजेंट नहीं था। तो हर बार जैसे यंग जनरेशन अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है, ढेर सारे पैसे इधर उधर चले जाते हैं जिसका हिसाब नहीं होता है। और फिर मैंने इस बार आफ्टर दिस कोरोना थिंग लॉकडाउन, मैंने ये चीज़ सोचा कि जो पैसा हम लोग इधर उधर खर्च कर देते थे फालतू में, खाली की एक रात का मतलब मौज मस्ती के लिए, मैं मतलब अभी जब घर से निकलता हूँ कोई भी सामान लेने के लिए, तो मैं बहुत लोगों को रास्ते में देखता हूँ। जब हम लोगों को आफ्टर मतलब हमारी जॉब, हमारे घरों में बहुत सारे लोग होते हैं जो कमाने वाले होते हैं, उसके बाद भी इस लॉकडाउन में बहुत सारे इशू फेस करने पड़ गए, तो वो लोग कैसे सर्वाइव कर रहे होंगे जिनके पास जॉब नहीं है, जिनके पास पैसे नहीं है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें करी, तो मैंने सोचा कि इस बार मैं भी थोड़ा सा कुछ अपनी तरफ से सपोर्ट दूँ इन सबको। तो जो पैसे हम लोग फालतू की पार्टीज़ में वेस्ट करते थे, इस बार मैंने सोचा कि अगर मैं उन लोगों को एक रात का खाना ही खिला पाऊँ तो वो भी मेरे लिए बहुत मतलब प्राउड वाली बात होगी। तो मैंने ये अब सोचा है कि हाँ, मेरे को अब से जो आगे आने वाले बर्थडे हैं वो एक रात की मौज मस्ती के अलावा मैं ऐसे जगह पे कुछ चीज़ करूँगा। होपफुली मेरे को देख के बहुत सारे लोग ऐसी चीज़ें करेंगे। मैं तो बर्थडे का वेट कर रहा था इस चीज़ के लिए, शायद लोग बिना बर्थडे का वेट करे, मतलब इतने सारे लोग हैं एक भी दिन किसी ने निकाल लिया और वो जो मौज मस्ती के कुछ पैसे हैं वो सही जगह पे यूटिलाइज कर दिए। तो होपफुली कुछ चीज़ें तो अच्छी हो ही सकती हैं। तो आज डिसाइड करा है कुछ तो करेंगी, वो आपको मैं बाद में दिखाऊंगा। तो अभी मैं लगा हुआ हूँ इन सब चीज़ों में, थोड़ा सा टाइम जा रहा है, टाइम अपने पास है नहीं, थोड़ा बहुत तो मैं भी पढ़ाई देता हूँ। ये हो रहे हैं छोले, ये हो रहे हैं चावल, दूसरा पतीला भी रखा हुआ है, थोड़ा सा मैस हो गया है, मैस। फिर अभी सबको पैक करके निकलेंगे जरूरतमंद लोगों को देने के लिए। ऑल सेट रिद्धि, रिद्धि बाय बाय, राम करी। अब यहाँ से ढूंढा जाएगा किसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो लेट्स सी, अभी तो देवेश का वेट हो रहा है। तो है समय, तो है जमीन, हमसे ना।